भारत द्वारा गुट निरपेक्षता का पालन किए जाने के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का पालन किए जाने के परिणाम स्वरूप भारत और जापान के संबंध भारत और जापान के संबंध राजनैतिक रूप से निर्मित नहीं हो पाए। राजनैतिक रूप से निर्मित नहीं हो पाए क्योंकि क्योंकि जापान अमेरिकी संरक्षण में पूंजीवादी गुट में शामिल था। अमेरिकी संरक्षण में पूंजीवादी गुट में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत और जापान के मध्य 1952 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई एवं अगले वर्ष भारत द्वारा जापान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डन। तो भारत और जापान के संबंधों की जो शुरुआत थी ना, वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण से हुई, किंतु ये सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि भारत द्वारा जहां एक और गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया गया, वहीं जापान द्वारा पूंजीवादी गुट में शामिल हुआ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो राजनीतिक संबंध निर्मित नहीं हो पाए और जापान अपने लिए स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ 1961 के बाद ही कर पाया, जब अमेरिका द्वारा जापान को अपने संरक्षण से स्वतंत्र किया गया। ठीक है, सो 1961 के बाद ही जापान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेगा। ठीक है, और इस स्वतंत्र विदेश नीति में भी जापान किस गुट का सहयोग करेगा? पूंजीवादी का। ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 1960 के दशक के बाद से भारत धीरे धीरे करते हुए सोवियत संघ के निकट होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सोवियत संघ के निकट, जापान पूंजीवादी, तो दोनों देशों के मध्य संबंध राजनैतिक रूप से निर्मित नहीं हुए। उसके बाद इन संबंधों में गिरावट और आ जाएगी जब भारत 1974 में परमाणु विस्फोट करेगा। ठीक है, मतलब 1974 में परमाणु कार्यक्रम के बाद यह निर्धारित हो गया कि भारत परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और जापान विश्व का इकलौता देश ऐसा है जिसने परमाणु हमले की त्रासदी को झेला है। एकमात्र परमाणु हमला जापान पर ही हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी में। ऐसी स्थिति में जापान का परमाणु हथियार या परमाणु शक्ति को लेके क्या रवैया रहेगा बेटा? पूरी तरीके से नकारात्मक। जापान ऐसे किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगा जो परमाणु शक्ति
का निर्माण करना चाहे या परमाणु हथियार बनाना चाहे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, भारत और जापान के जो संबंध रहे हैं वो न केवल विचारधारा के आधार पर कमजोर बने रहे, भारत के खुद के परमाणु कार्यक्रम के आधार पर भी इन संबंधों में बहुत खास उन्नति नहीं हुई। ठीक है, बाद में ये संबंध 1991 के बाद दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया था, और शीत युद्ध समाप्त हो गया मतलब अब कोई साम्यवादी कोई बचा नहीं, जो भी है पूंजीवादी है। साथ ही साथ इसी दौर में 1991 के बाद ही हमने पढ़ा है कि भारत द्वारा पूर्व की ओर देखो की विदेश नीति अपनाई गई। ठीक है, और जापान भारत के पूर्व में ही पड़ता है, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए थी बट पूर्वी राष्ट्रों के लिए थी, मतलब अब भारत कहीं ना कहीं जापान को ज्यादा महत्व देगा, और इस तरीके से भारत और जापान के संबंध दोबारा से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। किंतु इन संबंधों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो अचानक से खत्म हो जाएगी वर्ष 1998 में। और 1998 में क्या हुआ, पोखरण विस्फोट, हमने दोबारा पोखरण विस्फोट किया और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर, और जापान को बिल्कुल नहीं पसंद परमाणु हथियार, तो वो जो संबंध शुरू हुए थे बेटा तो हम वो फिर से क्या हो जाएंगे। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं, भारत और जापान के जो संबंध है वो उतार चढ़ाव से परिपूर्ण है। ठीक है, जो 1947 के बाद शुरुआती चरण में विकसित होते चले गए, ठीक है, बहुत तीव्रता से नहीं बट एक धीमी गति से इन संबंधों का विकास हुआ, किंतु 1974 के बाद ये संबंध वापस से गिरना शुरू हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया और भारत द्वारा सोवियत संघ से अधिक निकटता बनाई गई, जिसकी वजह से इन संबंधों में गिरावट आना शुरू हो गई। बाद में वर्ष 1991 के पश्चात ये संबंध दोबारा उन्नत होना शुरू हो गए, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और भारत द्वारा पूर्व की ओर देखो की विदेश नीति अपनाई गई है। किंतु 1998 के बाद ये संबंध दोबारा समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाए। राइट, बट इसके बाद अब जब ये संबंध दोबारा सुधरना शुरू होंगे, ठीक है, तब से लेकर आज तक ये संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये था वर्ष 2001, मुख्य रूप से 2000, जहां भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जापान के प्रधानमंत्री योशिरो मोरी के बीच एक समझौता हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक भागीदारी में वृद्धि की जाएगी। और 2001 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2001 में इसी संबंधों के परिणाम स्वरूप जापान ने जो परमाणु विस्फोट के बाद भारत पे जितने भी प्रतिबंध लगाए थे वो सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए। ठीक है, सो 1998 के बाद जो प्रतिबंध थे, जो जापान के साथ संबंध खराब हुए थे, वो 3 वर्षों बाद ही दोबारा सुधरना शुरू हो गए। और 2001 के बाद से भारत और जापान के बीच के जो संबंध है वो लगातार निरंतर प्रगति ही कर रहे हैं, किसी तरह का कोई अवरोध भारत और जापान के संबंध में नहीं है। क्लियर है, इतिहास समझ में आया? अब अगर हम बात करें भारत और जापान के संबंधों में सहयोग की, ठीक है, तो यह सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है। क्लियर, चाहो तो ये चार्ट बना लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम। लिखो, भारत और जापान भारत अपनी जापान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का
नहीं, 1945 से लेकर 1961 तक जापान संरक्षी राष्ट्र था, अपनी स्वतंत्र विदेशी नहीं था उसके पास, क्योंकि वो अमेरिका के संरक्षण में था। अब तुमने विश्व इतिहास नहीं पढ़ा है ना? पढ़े लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े। राधा विनोद पाल, 47 बेटा, राधा विनोद पाल जापान का समर्थन किया। 1952 में भारत ने जापान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, अगले ही वर्ष शांति समझौता किया। तो संबंध तो बेहतर होते जाएंगे ना बेटा, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, ठीक है। राजनीतिक रूप से बेशक संबंध ना बने, बट सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तो संबंध बेहतर होते जाएंगे ना। डन, वो स्थिति थी। ये क्लियर? विश्व युद्ध के बाद, तुम्हें मैं विश्व युद्ध के बाद की स्थिति बता रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ बेटा, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध से जैसे ही समाप्त हुआ, तीन देश जिम्मेदार माने गए, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी को चार भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है, बाद में वो चार को दो में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि जर्मनी दोबारा से मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्मित ना हो सके। वहीं जापान को लेकर अमेरिका के मन में विशेष नफरत थी। क्यों? क्योंकि जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पे, ठीक है। तो अमेरिका चाहता था कि जापान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जाए, इसीलिए जापान अमेरिका का एक संरक्षी राष्ट्र बन गया, ठीक है। अब जापान की पूरी विदेश नीति का निर्धारण अमेरिका करेगा, जापान की आंतरिक नीतियों का निर्धारण भी अमेरिका के ही मार्गदर्शन में होगा। इस तरीके से एक चीज आप कह सकते हो कि 1945 के बाद जापान में स्वतंत्रता जैसी कोई चीज थी नहीं, ठीक है। अमेरिका ने जापान को अपने कब्जे से मुक्त ही 1961 में किया, ठीक है, क्योंकि अब पूरे तरीके से पूंजीवादी बना दिया ना, पूरी तरीके से पूंजीवादी बना दिया। और साथ ही साथ एक रक्षा समझौता भी कर लिया कि जापान की रक्षा के लिए अमेरिका की सेना वहां हमेशा मौजूद रहेगी, टेंशन खत्म। अब रहो तुम आजाद, हमारी नौसेना हमेशा रहेगी वहां मौजूद, जहां तुमने थोड़ी सी आंख दिखाने की कोशिश की, खत्म, ठीक है। ये सिनारियो है, ओके। ऐसी परिस्थिति में भारत और जापान के संबंध बेहतर तो होते चले गए, बट भारत द्वारा परमाणु कार्यक्रम करने के बाद वापस से खराब, ठीक है। अब जब 2001 के बाद भारत और जापान के संबंधों में सुधार आएगा, वो संबंधों में सुधार लगातार बेहतरी के लिए होगा। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारत और जापान के बीच सिर्फ और सिर्फ सहयोगात्मक क्षेत्र ही है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जहां भारत और जापान के बीच विवाद निर्मित हो सके। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि भारत और जापान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अभिन्न मित्र के रूप में विकसित हो चुके हैं या विकसित हो रहे हैं। एकमात्र क्षेत्र जो मुझे लगता है कि जहां भारत और जापान के बीच लड़ाई हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा भारत और जापान के बीच किसी तरह का कोई विवाद है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सहयोगात्मक रवैया ही रहेगा, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए, भारत और जापान के मध्य सहयोग। नंबर एक, भारत भारत जापान के भारत जापान के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भारत जापान के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित है। व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित है एवं एवं
भारत जापान का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 13वां, 13th सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तेरहवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बेहतर बनाने के उद्देश्य से समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि दोनों देश आर्थिक विकास के क्षेत्र में दोनों देश आर्थिक विकास के क्षेत्र में साथ मिलकर कार्य करेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे। डन, नेक्स्ट पॉइंट। जापान भारतीय परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में कार्य करता है, निवेशक के रूप में कार्य करता है। जापान द्वारा भारत में लागू की गई या निवेश की गई जापान द्वारा भारत में निवेश की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1, मेट्रो परियोजनाएं। ठीक है, तो कुल 6 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं जो है वो जापान के सहयोग से या जापान के निवेश से संचालित हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना पश्चिमी औद्योगिक गलियारा ऑब्लिक में लिख लेना, पश्चिमी निर्देशित मालवाहक गलियारा, पश्चिमी निर्देशित मालवाहक गलियारा। तीसरी जो परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना जो जापान निवेश कर रहा है बेटा, वो है बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जो जापान के माध्यम से भारत में लागू की जा रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही परियोजनाएं, लिखना नहीं है, समझा रहा हूं। इसके अलावा भारत और जापान
अरुणाचल क्षेत्र में सामाजिक विकास के लिए निवेश कर रहे हैं, आसाम क्षेत्र में जो वन संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी परियोजना है जिसको लेकर चीन बहुत ज्यादा टेंशन में है। क्यों? क्योंकि भारत और जापान मिलकर अरुणाचल में विकास कर रहे हैं, और हम भारत और चीन संबंधों के दौरान ये पढ़ चुके हैं कि चीन को अरुणाचल अपना हिस्सा लगता है, ठीक है। तो अगर भारत अरुणाचल में कुछ भी करे तो चीन को परेशानी होती है उससे, और जापान के साथ मिलकर कर रहे हैं तो और ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है, ये स्थिति। तो व्यापारिक संबंध बहुत बेहतर है। इन व्यापारिक संबंधों में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि निवेशक जापान भारत का एक महत्वपूर्ण निवेशक राष्ट्र है। डन। अब लिखो पॉइंट नंबर 2-3 हो गया। पॉइंट नंबर 3, भारत और जापान के मध्य वर्ष 2014 में नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ये बेटा भारत की सबसे बड़ी विजय थी। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जापान ऐसे किसी भी देश के साथ मित्रवत संबंध नहीं रखना चाहता जो परमाणु कार्यक्रम संचालित करे या जिसके पास परमाणु हथियार हो, बट ये भारत की कूटनीति का ही की ही सफलता है कि 2014 में भारत उसी जापान के साथ परमाणु समझौता करने में सफल हुआ, ठीक है। भारत वो पहला देश था जिसने एनपीटी साइन नहीं किया, एनएसजी का मेंबर नहीं है, बावजूद इसके जापान उसके साथ नागरिक परमाणु समझौता करने को तैयार है, ठीक है। बट इसके बावजूद भी 10 साल हो गए, आज भी जापान की तरफ से कोई भी परमाणु संयंत्र भारत में नहीं लगाया गया है। उसका कारण वही है जो कारण अमेरिका का है, ठीक है, वो तुम लोगों को पता ही है नहीं, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था बट तुम लोगों ने किया नहीं। कौन सा होमवर्क? शाबाश, किए होंगे तो याद भी होगा बेटा। है ना, शाबाश, है ना, कोई बात नहीं, पेंडिंग रहने दो। हाँ, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, वो तुम खुद को करना है, तुम लोगों को। क्या कारण है कि पश्चिमी देशों द्वारा अभी तक भारत में कोई परमाणु संयंत्र नहीं लगाया गया? वो क्लास तुम अटेंड नहीं किए ना, तो अब लिख लो वो होमवर्क, ठीक है। पढ़ना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा ना। क्या कारण है कि पश्चिमी देशों द्वारा, लिखो, क्या कारण है कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत में अभी तक कोई परमाणु संयंत्र नहीं लगाया गया? ठीक है, द्वारा भारत में एक भी परमाणु संयंत्र नहीं लगाया गया, है ना। युवराज होमवर्क भी करके ले आया था, प्रॉपरली चेक भी करवा दिया था, ठीक है। युवराज, युवराज ही नाम है उस बच्चे का, है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये कर लेना बेटा होमवर्क, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। संयंत्र नहीं लगाया गया, डन, चलो आगे बढ़े। तो तीसरा क्षेत्र हो गया सहयोग का। चौथा, भारत और जापान के मध्य
रणनीतिक भागीदारी, रणनीतिक भागीदारी में अत्यधिक, रणनीतिक भागीदारी में अत्यधिक वृद्धि, वृद्धि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में हुई है, जिसका उदाहरण क्वाड है, जिसका उदाहरण क्वाड है। साथ ही भारत और जापान के मध्य, साथ ही भारत और जापान के मध्य दो धन दो, 2+2 वार्षिक वार्ताएं आयोजित की जाती है। हाँ, भारत और जापान के मध्य दो धन दो, 2+2 वार्षिक वार्ताएं आयोजित की जाती है। दो धन दो चार, सिंपल। वार्षिक वार्ताएं आयोजित की जाती है, इसका मतलब बहुत ही सरल है बेटा, ठीक है? दो मंत्री भारत के, दो मंत्री जापान के वार्षिक स्तर पे बातचीत करेंगे। और ये दो मंत्री होंगे कौन? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। सो भारत के विदेश और रक्षा मंत्री, जापान के विदेश और रक्षा मंत्री प्रति वर्ष बातचीत करेंगे वार्षिक स्तर पे, और भारत और जापान के संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? भारत और जापान न केवल आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ अपने रक्षा सहयोग को अत्यधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे। हाँ बेटा, राजनीतिक भागीदारी सिर्फ और सिर्फ दो देशों के मध्य निर्धारित होती है, ठीक है? कि भारत और जापान के बीच किस तरीके से राजनीतिक संबंध है, ये व्यापारिक संबंध होंगे, किसी तरह के राजनीतिक सहयोग होगा एक दूसरे के साथ। बट जब बात हम करते हैं रणनीतिक भागीदारी की, तो रणनीतिक भागीदारी सिर्फ उन दो देशों के मध्य सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम क्वाड की बात करें बेटा, तो क्वाड का गठन ना तो भारत की रक्षा के लिए किया गया है, ना ही जापान की रक्षा के लिए। क्वाड का गठन किया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, ये औपचारिक उद्देश्य है। वास्तविक उद्देश्य क्या है? चीन के लिए। मतलब ये क्या हुआ? ये राजनीतिक भागीदारी नहीं हुई, ये रणनीतिक भागीदारी हुई कि दोनों देश मिलकर विश्व रणनीति में साथ मिलकर काम करेंगे। तो रणनीतिक भागीदार किसी भी देश का होना बेटा एक महत्वपूर्ण दर्जा होता है, ठीक है? और भारत 2016 में जापान की ओर से वो रणनीतिक भागीदार का दर्जा प्राप्त कर चुका है, ठीक है? तो मतलब अब सिर्फ भारत और जापान आपसी संबंधों तक सीमित नहीं है, भारत और जापान वैश्विक संबंधों को लेकर या वैश्विक रणनीतियों को लेकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है? तो क्या लिखा? दो दिन दो वार्षिक वार्ता हो गया,